अगर आपकी जलेबियाँ बच गई हों और वो ठंडी हो चुकी हों और साथ ही जो इसका क्रिस्पीनेस है वो गायब हो चुका है, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप लेकर आई हूँ कि कैसे आप इन जलेबियों को वापस से फ्रेश कर सकते हैं। और इस जलेबी वाली प्लेट को हमें माइक्रोवेव के अंदर रख देना है। इसे क्विक स्टार्ट बटन से यहाँ पर 30 सेकेंड माइक्रोवेव कर लेंगे। और ये जलेबियाँ बिल्कुल गर्मा गर्म, बिल्कुल ताज़ी और फ्रेश हो चुकी हैं, जैसे कि आप मार्केट से लेकर आए थे वैसे ही हो गई हैं, बिल्कुल जूसी हो चुकी हैं। वापस मैं आपको इसे तोड़ करके दिखाती हूँ। तो इस टिप को आप ज़रूर फॉलो करें, आपको ये टिप बहुत पसंद आएगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। इन मोमोज को माइक्रोवेव में कुक कैसे करना होता है, इसके बारे में भी हम डिटेल में आज बात करेंगे। इसे स्टीम करने के लिए हम यहाँ पर एक बेकिंग डिश ले लेंगे, क्योंकि आज हम इसे स्टीम करने जा रहे हैं। अगर आप इसे बेक करना चाहते हैं तो सिंपल 180 डिग्री में आप इसे बेक कर सकते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। लेकिन उसमें क्या होता है, आपके मोमोज सॉफ्ट नहीं रह जाते, हार्ड हो जाते हैं बेकिंग के दौरान। मोमोज को स्टीम करना जरूरी होता है, नहीं तो वो हार्ड हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो स्टीम करने के लिए हम हमेशा वाटर का इस्तेमाल करते हैं। इस बेकिंग डिश में हम वाटर ऐड कर लेंगे। 2 कप के करीब हम पानी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं, जो मैंने वहाँ पर बोल में वाटर लिया है उसे इसमें ओवन के अंदर रख देंगे। अपने ओवन को प्री हीटिंग के लिए हम लगा देते हैं। प्री हीटिंग भी होती रहेगी और साथ साथ हमारा पानी भी ओवन के अंदर गर्म हो जाएगा। फिर हम अपने मोमोज को इसमें स्टीम कर लेंगे इसी पानी के साथ। और अब आप चाहें तो इस पानी को कवर भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके डोर को बंद कर देते हैं। तो वैसे ही इस ओवन को मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रीहीट कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीटिंग फिर से बता देती हूँ। तो यहाँ पर हम ग्रिल प्लस कन्वेक्शन बटन को एक बार प्रेस करेंगे, क्योंकि प्रीहीटिंग हमें इसी मोड पर करनी होती है। इससे हमारे रॉड्स और जो कन्वेक्शन फैन है वो ऑन हो जाते हैं। चलिए ग्रिल प्लस कन्वेक्शन मोड पर इसे हम प्रीहीट कर लेते हैं। हम यहाँ पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर सेट करेंगे और हमें इसे रीहीटिंग के लिए 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि पानी भी है साथ में। तो हम यहाँ पर 12 मिनट का टाइम एंटर कर देते हैं। और आप देख सकते हैं 12 मिनट का टाइम यहाँ पर सेट कर दिया है मैंने। स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे और इसे प्रीहीट कर लेंगे और साथ में हमारा पानी भी यहाँ पर गर्म हो जाएगा। और अब आपके पास घर में कुछ इस तरह का जो स्टेनर होता है और इसका साइज़ बोल के साइज़ के बराबर ही है, मोमोज को रखने से पहले इसमें ऑयल अच्छे से अप्लाई कर लेना है, ताकि हमारे मोमोज इसमें चिपके नहीं। और अब हमने जो मोमोज बनाए इसके ऊपर रख देते हैं। और अब इन मोमोज के ऊपर भी ऑयल अप्लाई कर लेंगे। वेजिटेबल ऑयल कोई भी जो आप यूज़ करते हैं, आप इसे इसके ऊपर अप्लाई कर लें। अगर आप इसे बेक कर रहे हैं बिना स्टीम के, तो आप इसमें वाटर अप्लाई करेंगे ऊपर से। तो ऐसे सभी में हम ऑयल अप्लाई कर लेंगे। तो ये मैंने ऑयल अप्लाई कर लिया है और अब हम इसे किसी छोटी प्लेट से कवर कर लेंगे, जिससे ये कवर हो जाए। ध्यान रहे, हम इसे कन्वेक्शन मोड पर बेक कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम मेटल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम इसे माइक्रोवेव मोड पर इसे हम कुक करते हैं, तो यहाँ पर हम मेटल बिल्कुल नहीं यूज़ करते हैं। अगर आप माइक्रोवेव मोड पर इसे आप कुक करेंगे, तो आप ध्यान रखें इसकी जगह आप प्लास्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक के भी स्ट्रेनर जो आते हैं, आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसे कन्वेक्शन मोड पर इसे मैं स्टीम कर लेती हूँ। और ये ओवन हमारा प्रीहीट हो चुका है और साथ में पानी भी अंदर गर्म है। तो आप देख सकते हैं हमारा पानी यहाँ पर गर्म हो चुका है और ओवन भी हमारा अच्छे से प्रीहीटेड है। और ये मोमोज के साथ हमारी प्लेट है, ये भी रेडी है। तो इस गर्म पानी के ऊपर हम इस प्लेट को रख देते हैं। आप ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, रॉड्स अक्सर ऊपर बहुत गर्म होती है, इसका ध्यान रखें आप। तो चलिए इसके डोर को क्लोज कर लेते हैं और इसे हम स्टीम कर लेते हैं। तो इसे हमें 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही स्टीम करना है। ग्रिल प्लस कन्वेक्शन बटन को एक बार प्रेस करेंगे और 200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर सेट करेंगे। अब हम यहाँ पर टाइम सेट करेंगे। टाइम हम इसे स्टीम करने के लिए 20 मिनट का सेट कर देते हैं। इतने टाइम में हमारा मोमोज जो है वो स्टीम होकर के रेडी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं और अपने मोमोज को यहाँ पर स्टीम कर लेते हैं। और 20 मिनट हो चुके हैं, हमारे मोमोज बनकर रेडी हैं। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। ऐसे ही हम बाकी भी बना लेंगे इसी के ऊपर। और इस प्लेट को अब हम ग्लव्स की मदद से ऊपर से हटा लेंगे। बहुत गर्म होती है ये प्लेट, बिना ग्लव्स के तो बिल्कुल ही नहीं आप इसे हैंडल करेंगे। और अंदर स्टीम भी है, निकल रही है काफ़ी। और चलिए इस प्लेट को हम बाहर कर लेते हैं इससे, और बाकी मोमोज भी आप इसी के ऊपर रख करके प्रिपेयर करते जाएंगे। तो अब हम अपने मोमोज को चेक करेंगे कि कैसे प्रिपेयर हुए हैं। बहुत गर्म होता है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्टली तरीके से हमारे मोमोज यहाँ पर स्टीम हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी के ड्रॉपलेट्स भी दिख रहे हैं। तो
तो अब आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस हमारे यहाँ पर मोमोज जो है बनकर तैयार हुए हैं, और इसे आप ज़रूर ट्राई करें। आप अपने माइक्रोवेव में बना सकते हैं। तो आई होप आपको रेसिपी काफ़ी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।